बात बोलने दो, एक मिनट इनको बोलने दो मैम प्लीज, मैम प्लीज एक मिनट का बोले, एक मिनट प्लीज, प्लीज हमारे साथ संगत में रोष है जो परसों बरगाड़ी के हालात हुए और जो यहाँ पर तथ्य मिले यहाँ के हमारे को भी हजूर साहब तक हवा आती क्योंकि एक बहुत बड़ा सोमणी तख्त है। तो हमारी हजूर साहब की इच्छा है जो वहाँ पर वहाँ IGP से ब्लेम लगाए जा रहे हैं और सात संगत से माफी मांगना, वहाँ की जो हुआ संगत की संगत से जो भी हुआ वहाँ कुछ लोग शहीद हुए फायरिंग हुई उसके रोष में हम इसका प्रदर्शन करे थे। ये हमारा ये डेमोक्रेसी और जितना आप जाओगे ना मेरे को भी आप सबको हाथ बंद के एक विनती है जो सिख कौम को कमजोर करने के लिए हमको आपसी लड़ाई करा के सिखों पे हावी होके पंजाब पे हावी होके हमारे तख्त को कमजोर करके सिखों में पाड़ना चाहते हैं। तो मैं आपको हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि सिर्फ अखबारों के राही और जिनका प्रचार बहुत तेज है उनकी बातों में ना आइए। नहीं हम इसलिए आपको विनती करने आए सुन लो और सुनिए कि वो कौन सी पार्टी है और कौन से नुमाइंदे हैं जो हमेशा सिखों के आगे आगे होके राखी करते हैं। आज उनको कमजोर करने की जो साजिश है उससे हम लोग तखत साहबान को कभी कभी दशम ग्रंथ की बात उठाते हैं, कभी वो बात उठा देते हैं कि ये ननकाणा साहब में अकाल तख्त होना चाहिए। मैं समझता हूँ उन ताकतों से बचने की जरूरत है। हमारे पास वही हम लोग इतने कमजोर तो नहीं है कि विदेशी ताकतों के बाद बहका में आएंगे। हम हमारे गुरु घरों को भी बचा सकते हैं। एक मिनट, हमारे ही इनके साथ जब मिल जाते हैं ना तो हम भी इसलिए परेशान है यहाँ पर, हम अंदर लिए नहीं परेशान है। तो हम चाह रहे हैं कि आप जो है सिखों की सबसे बड़ी संस्था से SGPC थे, हम चाहते हैं कि आप लोगों ने हमको सपोर्ट करना चाहिए। बाकी हम लोगों का क्या कहना है, आप लोग हमारे बाकी हम देखते हैं।